तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है वर्षा चंद्रा। और आज मैं मूवी रिव्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, मैंने कल रात ही ये मूवी देखी और मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस मूवी को देखिए, और जिसके लिए मैं इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। मूवी का नाम तो मैंने बताया ही नहीं, तो अभी बता देती हूँ। मूवी का नाम है द फकेट लिस्ट। थोड़ा स्ट्रेंज है, बट यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा नाम क्यों है इस मूवी का। गाइज, मैं आपको बता दूं, इसके एक्टर हैं एली ब्राउन, मैडिसन, मार्कस, अमांडा, एंड्रयू, करण एंड पीटर, और भी कई सारे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल डुगन ने, मैथ्यू सिंगर ने और डैन ने। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी का नाम है ऑसमनेस फिल्म्स, और ये मूवी सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही डिस्ट्रीब्यूट की गई है। टाइमिंग की मैं बात करूं तो ये पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे 43 मिनट की है। अगर आप चाहो तो आप इसका इंग्लिश वर्जन भी सबटाइटल के साथ देख सकते हो, या फिर डब में भी देख सकते हो। गाइस, द फकिंग लिस्ट की खासियत ये है कि ये मूवी बनाई गई है एक नॉवल पे, जिस नॉवल का नाम भी है द फकेट लिस्ट। गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। ये मूवी यंगस्टर यानी यूथ को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जिस तरह हर माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी के साथ उनका भविष्य भी काफी ज्यादा ब्राइट करना चाहते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। माँ बाप कई बार अपने बच्चों के लाइफ के डिसीजंस भी खुद ही लेते हैं, और के बच्चे की भलाई है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। एक्टर 8 कॉलेजों में एक साथ अप्लाई करते हैं, जिनमें से उन्हें 7 कॉलेजों में एडमिशन के लिए ऑफर भी आ जाते हैं। उनके पेरेंट्स तो उनसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और उनके टीचर्स भी। उनके पेरेंट्स अपने बेटे की तारीफ करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते, चाहे वो कलीग्स हों या टीचर्स हों या फिर पड़ोसी ही क्यों ना हो। गौरतलब है कि उनके क्लासमेट उन्हें द मोस्ट बोरिंग किड के नाम से भी बुलाते हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक मोड़ ऐसा आता है फिल्म में, जब ब्रेट और उसकी पेरेंट्स बिल्कुल भी उस चीज के लिए तैयार नहीं होते। जी हाँ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गए ब्रेट और उनके कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक प्रैंक तैयार करते हैं, और जिसमें वो स्कूल की पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देते हैं, जिसका परिणाम काफी ज्यादा बुरा होता है। ब्रेट को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है, और साथ ही साथ उन्हें सारे कॉलेजेस भी एडमिशन के लिए एक्सेप्टेंस विथड्रॉ कर लेते हैं। किसी तरह उनकी हॉवर्ड में वेटिंग लिस्ट अभी भी बरकरार रहती है, और मूवी में तब आता है द फकिंग लिस्ट का नाम। जी हाँ, तब जो एक्टर हैं ब्रेट ब्लैकमोरे, वो अपनी एक फकिंग लिस्ट बनाते हैं, जिसमें वो सारे अपने आप को ही चुनौती देते हुए नजर आते हैं, और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती हो, या फिर यूं कहें कि वो जो हमेशा से करना चाहते थे लेकिन अपने पेरेंट्स और पढ़ाई की वजह से वो पूरी ना कर सके। तो गाइस, ये जानने के लिए कि ब्रेट ब्लैकमोरे अपने फकिंग लिस्ट को पूरी करते हैं या फिर वो हार्वर्ड में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, देखिए द फकिंग लिस्ट। और आई कैन बेट यू गाइस कि आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे इस मूवी को देखकर। आप में से अगर किसी ने ये मूवी देखी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइज। आप अपना ख्याल रखें।